है नहीं। अभी हमें एक मोर नजर आया था लेकिन वो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम फॉल के पास पहुंच गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एसआर। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। और जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गया है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो हाँ दोस्तों आज हम जा रहे हैं टूटी झरना, जो रामगढ़ ही पड़ता है वो जगह। तो वो जगह हम जा रहे हैं देखने के लिए कैसा है। और काफ़ी लोग गए हैं, उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, हम आपको वहाँ से पहुँच के दिखाते हैं वो जगह और कौन लोग आ सकते हैं और उस जगह के लिए किस तरह का रास्ता है, तो सारा कुछ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना, मतलब वहाँ जाना है, तो मैं गूगल मैप का लिंक दे दूँगा, आप लोग आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहें। फाइनली हम ये जगह पहुंच गए हैं जिसका नाम है टूटी झरना। और ये है इसका लोकेशन, ये देखिए तो पीछे धनराज, और ये हमारी बाइक, और ये चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी प्यारा है, काफ़ी खूबसूरत। और आज का जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना। और अभी हमें इस रास्ते से नीचे की तरफ जाना है, तो अभी हम चलते हैं, फिर आपको नीचे पहुँच के दिखाते हैं कैसा नज़ारा है। तो बने रहें, मिलते हैं हम नीचे। यही रास्ता था भाई, देख हाँ यहीं से। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम फॉल के पास पहुंच गए हैं और काफ़ी खूबसूरत है। अभी धार बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी बारिश अभी हो रही है, बारिश का मौसम है इसकी वजह से, और काफ़ी तेज़ है धार यहाँ का और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। अभी हम पूरी तरह नीचे नहीं पहुँचे लेकिन आवाज़ हमें काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है। चलिए अभी हम आपको नीचे पहुंचते हैं और फिर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये झरना है टूटी झरना, और ये इसका नज़ारा देखिए आपको। और अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमको इसी रास्ते से नीचे की तरफ जाना है क्योंकि ये इसका जो रास्ता है ये काफ़ी कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से डाउन है और हमें डाउन की तरफ ही जानी है, जिसकी वजह से रिक्स भी काफ़ी है क्योंकि गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं इसकी वजह से। तो हम ऐसे ही नीचे जा रहे हैं। ये देखिए हम कैसे कैसे रास्ते से आ रहे हैं। ओए धनराज, इधर इधर इधर, अरे इधर रास्ता, ओए इधर रास्ता। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं और काफ़ी करीब। धनराज भाई काफ़ी खुश। और काफ़ी डिफिकल्टी के बाद हम पहुंच गया है झरना। ये देखिए काफ़ी मस्त गिर रहा है, ऊपर से नज़ारा है इसका।
और ये यहाँ से नदी का रूप लेके और भी आगे ये नीचे जा रहा है। ये देखिए फाइनली हम काफ़ी कष्ट के बाद नीचे पहुँच गए और जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। फिर आप लोगों को थोड़ा सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं यहाँ का, तो बने रहें। इस जगह मैंने और धनराज ने चाय और बिस्किट का आनंद उठाया और साथ में हमने कुछ नमकीन भी ले ली थी, जिसे हमने डिसाइड किया था कि हम जिस जगह जा रहे हैं जो झरने के पास वहाँ पे इंजॉय करेंगे, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हमने। और ये जो नज़ारा है दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा था आपने, और अभी जो नज़ारा का हम लुत्फ़ उठा रहे हैं काफ़ी मन को मोह लेने वाला है ये नज़ारा। और रांची के इतने नज़दीक इतना अच्छा जगह हमने काफ़ी दिनों से मिस कर रखा था, और इस जगह के बारे में हमने काफ़ी दिनों से सुन रखा था, और फाइनली आज मैं और धनराज यहाँ पर आए और इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं चाय के साथ। जो चाय लवर होते हैं उन्हें पता होता है कि चाय ऐसी जगह में पीने का आनंद ही क्या अलग होता है, और साथ में बिस्किट का भी। और ये नज़ारा दोस्तों जंगलों के बीच में झरने के नीचे काफ़ी औसम है। आप लोग भी आइए और यहाँ पर इसका नज़ारा, इसका लुत्फ़ उठाइए, और बहुत ही खूबसूरत है। और जितनी तकलीफ हमें यहाँ पे आने में हुई उससे ज़्यादा खुशी हमें हो रही है इस जगह को महसूस करके, इस जगह का नज़ारा लेके। हमने काफ़ी सारे बातें की, काफ़ी देर हमने यहाँ पर गुजारा, लगभग एक डेढ़ घंटे हमने यहाँ पर गुजारा, ढेर सारे हमने फ़ोटोज़ लिए। और अगर आप लोगों ने मेरे फ़ोटोज़ दिखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना आईडी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये जगह अच्छा लगा तो दोस्तों अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी यहाँ पर आना है। और गूगल मैप का लिंक दिया गया है मैंने, आप लोग इसके द्वारा आसानी से आ सकते हैं। आपको जहाँ भी दिक्कत है आप लोकल से पूछ सकते हैं, ये काफ़ी चर्चित झरना है, तो आप लोग भी आइए और यहाँ का लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों तो आप लोगों ने देखा कि ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ जंगल और पहाड़ से होते हुए हम नीचे आए हैं। और ये जो पीछे जो आप झरना देख रहे हैं या इससे पहले आपने वीडियो में देखा, काफ़ी खूबसूरत झरना है और काफ़ी मन को मोह लिया, हमें काफ़ी खूबसूरत लगा ये जगह। और जैसे आप लोग एक बार देख लीजिए कि चारों तरफ अभी हम जंगल में हैं और यहाँ पे बस हमारे अलावा कोई नहीं है, हमारे दो के अलावा मेरे और धनराज के अलावा कोई नहीं है। जय अरबीरू। और अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, हमें निकलना भी है घर, और जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। और ये एक तरह से हिडन वाटरफॉल ही है क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, और इस फॉल का नाम जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गया था कि क्या है। तो धनराज भाई से पूछते हैं क्या इनको कैसा लगा ये जगह। ये काफ़ी यूनिक प्लेस है और ये काफ़ी रांची से नज़दीक है, आप लोग आ सकते हैं फ्रेंड के साथ आइए। और ये काफ़ी डाउन है, ऊपर से आने के बाद गाड़ी आपको पार्क करना पड़ेगा ऊपर में ही, फिर आपको नीचे आना पड़ेगा काफ़ी, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग आइए और इन्जॉय कीजिए यहाँ के। और ये जगह है दोस्तों सिर्फ ओनली फॉर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भी नहीं है। कोई कोई गर्ल्स आ सकती है जो ब्रेव होती है, जो हिम्मत वाली होती है, जो पहाड़ चढ़ सकती है, उतर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ऊँची चोटी से आपको नीचे उतरना पड़ेगा और फिर वापस चढ़ना भी पड़ेगा इसके लिए, तो आप लोग समझ के आइए। फिर सिर्फ ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है, तो बॉयज़ तो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं,
तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। ऐसे आप लोगों के लिए नई नई जगहों का वीडियो हम लेते आएंगे, तो आप तक हमारे वीडियो में ऐसे बने रहे। अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जिससे घूमना पसंद है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।